Hello friends, good morning. Welcome to my study channel, Link Second Week. तो जैसा कि बच्चे कौन कौन है लाइव अपना एक बार एड्रेस दे लाइव क्लास में बच्चे आओ लाइव क्लास में चैट करो चैट में लिखो अपना नाम लिखो चलो मैं वेट कर ले रहे हैं बच्चे आओ क्लास में कहां सबके सब बच्चे अपना नाम लिखो बच्चे नाम लिख के सेंड करो प्रेजेंट बस एक बच्चा है बस एक ही को पढ़ना है क्या जैसा कि बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस रिवीजन क्या होने की क्लास रहेगी प्रेजेंट टेंस का रिवीजन और सारे बच्चे कहाँ हैं बच्चे क्लास में आओ सादिया सादिया वेलकम और कहाँ है बच्चे सब वॉइस आ रही क्लियर सब सही दिख रहा है और बच्चे कहाँ है सब सिर्फ दो बच्चे और अभी दो मिनट वेट कर लेते हैं सब लोग आ गए बच्चे तभी क्लास स्टार्ट हुई सूर्यांश सादिया और दो बच्चे कहाँ हैं और सारे बच्चे सब कुछ सही है बच्चे वॉइस क्लियर है दिख रहा है सब कुछ अगर दिख रहा है बच्चे तो यस करके लिखो सिर्फ दो बच्चे हैं और सारे बच्चे कहाँ गए चलो दो मिनट वेट कर लेते हैं चलो सानिया भी आ गई और सारे बच्चे कहाँ हैं भाई बस इतने ही लोग को पढ़ना है स्टार्ट करें क्लास क्लास स्टार्ट करें बच्चे तो एक बार लिख कर थम्स अप करो बोलो यहां सर क्लास स्टार्ट कीजिए अगर तीन ही बच्चों को पढ़ना है तो
Karandhya. Or सब क्लियर है? वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है? सब दिख रहा है? तो फिर स्टार्ट करते हैं। सिर्फ चार बच्चों को पढ़ना है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चे बता रहे थे प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, आप लोग को किस में प्रॉब्लम, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रॉब्लम, कंटीन्यूअस प्रॉब्लम है या फिर किस में प्रॉब्लम, आप बताओ उसको। इसके बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं या फिर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। और किसी बच्चे में अगर मैथ में प्रॉब्लम है तो भी पूछ ले, आसिफ तुम लोग की डाउट क्लास में। सिर्फ पांच बच्चे हैं भाई और बाकी सब बच्चे कहाँ गए भाई? चलो बताओ भाई किसमें प्रॉब्लम है, कौन से टेंस में प्रॉब्लम है, किस पार्ट में प्रॉब्लम है प्रेजेंट टेंस में, अब तक समझ नहीं आया है? या फिर हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, जैसा वैसा लिख के भेजो। बोलो सब लोग, बोलो एक साथ। बच्चे रिप्लाई करो फटाफट। रिप्लाई करो बच्चे। किसी पर्टिकुलर टेंस में प्रॉब्लम है या किसी पर्टिकुलर टेंस के पार्ट में प्रॉब्लम है, बच्चे रिप्लाई करो या फिर अभी स्टार्टिंग से पढ़ाएं। सिर्फ पांच बच्चों को पढ़ना है, चलो। अच्छा सानिया का है, स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं। और सबका स्टार्टिंग से एक बार थम्स अप करके भेजो। तो हम स्टार्टिंग से ही करते हैं स्टार्ट। अब सब लास्ट तक बने रहना है कि स्टोरी तुम लोग अच्छी तरह अच्छे वाले सुनाएंगे। अगर बने रहो लास्ट तक तब देखो, जैसा कि जानते हो तुम लोग, तीन टेंस होते हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम अभी तक प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़े हैं, पास्ट टेंस का सिर्फ दो पार्ट पढ़े हैं। जब दो पार्ट पढ़े हैं, दो पार्ट में क्या है कि चलो सबका स्टार्टिंग से ही है, करण का भी स्टार्टिंग से ही। तो दो पार्ट क्या है कि हमारा दो पास्ट दो पार्ट से पढ़े हैं, तो इसमें क्या है प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ना है, फिर से स्टार्टिंग से रिवीजन करना तुम लोग का। तो देखो क्या है, फोर पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट होता है, इसके बाद कंटिन्यूअस होता है, सब कुछ विजिबल है ना। इसके बाद क्या होता है, परफेक्ट होता है। इसके आगे तुम लोग प्रेजेंट लगा लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो देखो एक फोर पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें इसकी पहचान, इसकी अगर पहचान की हम बात करें यहाँ पे, तो क्या आता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आते हैं। जैसा कि तुम लोग भी जानते हो, ता है, ती है, और क्या आते हैं, ये सब आते हैं। इसके लिए क्या पहचान होती है, इसकी रहा है, रही है और रहे हैं, ये पहचान है। इस चार बच्चे बना लेना, चार ही बनाना, तब अगर अभी पेन कॉपी लेकर बैठो तभी बना लो या बाद में बनाना। इसके बाद इसमें क्या आता है, चुका है, चुकी है, और क्या आता है, चुके हैं, ये आता है। इसके बाद इसमें क्या आता है, इसमें भी रहा है,
रही है और क्या कह रहे हैं इसके साथ, और साथ ही समय लगा रहता है, समय लगा रहता है, साथ ही समय लगा रहता है। बताओ इतनी बातें सबको समझ आए? अगर इतनी बातें सबको समझ आए तो आगे तो कम सब करो। हाँ बच्चे करण बैठ ही पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले ये तो समझो क्योंकि सबकी डिमांड, सबका क्लास एक साथ ले रहा है ना, तो मैथ ही पढ़ाऊंगा। मैथ में जिसको प्रॉब्लम हो तो पूछेगा, तो एक बार हम इसका रिवीजन करा देते हैं, इसके बाद तुम लोग जो कहोगे फिर वो पढ़ाएंगे। समझे? इतना चीज समझ आया? इतना भी किसी को डाउट नहीं है, कोई दिक्कत जो थोड़ा सा डाउट नहीं है या कुछ बताया फिर से हम देखो फिर से समझो। प्रेजेंट टेंस का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कि हमें चार टाइप का बनाना है, तो इस तरीके से करें। कंटिन्यूस क्या है? रहा है, रही है, गए हैं, ये सब आता है। इसे परफेक्ट में क्या होती है? सब इसकी पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें परफेक्ट में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे, साथ ही समय लगा रहता है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का इशारों का क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे गौर खाता है, देखो ये क्या लास्ट में आ रहा है यहाँ पर, सबको बिजी पर है ना बच्चे। इसके बाद क्या है? देखो यहाँ पे क्या है, अगर दूसरे की बात करें, यहाँ पे वह खाना खा रहा है, तो देखो ये इसमें क्या रहा है, आ रहा है। इसके बाद क्या है? वह खाना खा चुका है, देखो इसमें भी चुका आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, इसको हम यहाँ लिख देते हैं इसका कि इसके बाद इसका लिखते हैं वह दो घंटे से खाना खा रहा है, खाना खा रहा। देखो इसमें भी रहा आ रहा है, बट इसमें क्या टाइम आ रहा है, इसके साथ क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है, तो इससे हमारी पहचान होती है। अब देखो तीनों को हमने क्या लिखा, टेंस लिखा, उसकी पहचान हो गई। इसके बाद तीनों का एग्जांपल सेकंड एक एक हो गया। इसमें देखो ता आ रहा है, खाता, खाती आ रहा है, आ रहा है। इसमें देखो रहा है, आ रहा है, रहा है, रही है, रहे आ रहा है। इसके बाद खा चुका, चुका, चुकी, चुके आ रहे हैं। इस बार इसमें भी रहा है, रही है, बस उसके बाद क्या है, बट सिंबल क्या लगा है, इसमें समय भी लगा हुआ है। तो इसके साथ साथ क्या है कि समय भी आप इंक्लूड करते हो, इसलिए हमें पहचान परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बहुत सारे बच्चे को हमने देखा है कि दो टेंस में बहुत ज्यादा उनको उलझन होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जहां पे सिंस या फॉर यूज करते हैं वहां पे क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे इसको इरेज कर दे या आपको नोट डाउन करना है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी, आराम से पढ़ो, मैं रुक जाए पढ़ने, बताओ इसको इरेज कर दे, जल्दी लिख कर भेजो भाई। इरेज कर दे इसको या नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना है किसी बच्चे को, प्लीज रिप्लाई। अच्छा सानिया तुम्हें नोट डाउन करना है, ठीक है नोट डाउन करो, दो मिनट का टाइम दे रहे हैं। और सारे बच्चे कहाँ हैं? नोट डाउन करो बच्चे फटाफट। अच्छा चलो नोट डाउन कर लिए, अच्छी बात है, अब आगे रिवीज करते हैं, चलते हैं। तो ये पहचान हो गई इसकी। इसके बाद क्या है कि हम एक एक रूल लिखेंगे, रूल्स के साथ एक एक ट्रांसलेट करेंगे, और जो परफेक्ट में और इंडेफिनिट में दोनों में प्रॉब्लम होगी बहुत सारे बच्चों को, तो हम क्या करेंगे कि उसको जो है थोड़ा सा
डीपली पढ़ लीजिए, ठीक है? ठीक है साध्या, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है तुम्हारा? चलो हम देखते हैं जाए तुम लोग की रिप्लाई यहाँ पे। हाँ देखो तो जेड इंडस्ट्री की बात करें, तो जेड इंडस्ट्री की बात करें तो आपने पहचान में देख लिया, इसका रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अच्छा इसमें से बताओ बच्चे आप लोग, किसको कौन ऐसा बच्चा है वो टाइप करके लिखे और कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, टाइप करके लिखे कि हमको सर सब्जेक्ट नहीं समझ आता, ऑब्जेक्ट नहीं समझ आता, वर्ब नहीं समझते, मेंबर नहीं समझते, पता उसको हम पहले बताएं क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। फटाफट रिप्लाई करो किसको नहीं आता, अगर सभी को आता तो लिखो सर यस सर सभी को आता है, या हमें आता है ऐसे लिख सकते हो, फटाफट लिखो क्योंकि तुम लोग को सब्जेक्ट नहीं पता रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए करो इसका मैं अक्सर रूल लिख रहा हूँ, फटाफट बेटा भेजो। सब्जेक्ट होता है, इसके बाद क्या होता है, वर्ब होती है प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का रूल होता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखे तो नेगेटिव का रूल होता है, सब्जेक्ट होता है डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंटरोगेटिव क्या होता है, डू डज, चलो नासरी क्या नाम है इसका, सारिया को समझ में आता है सर मैं नोट डाउन नहीं किया था, चलो बाद में कर लेना बच्चे क्लास के फॉर्म में बात कर लेना अगर नोट डाउन नहीं किया तेरे को, और सिर्फ सारिया का ही आ रहा है क्लास, सारिया और सब बच्चे कर रहे हो बेटा कहाँ बोल रहे हो। डू या डज इस बार क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट आएगा तो नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद थर्ड एक और आता है जो क्या से कोई स्टार्ट होता है वर्ड्स तो उसको कैसे लिखते हैं, तो इंटरोगेटिव वर्ड्स रहता है इसके बाद डू या फिर डज, डू या डज इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट अगर नेगेटिव नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से क्या है तुम्हें समझ आता है वैष्णवी? अगर बेटा समझ आता है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब समझ आता है, अच्छी बात है। चलो तो इसपे चार क्वेश्चन करेंगे और इसको समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी को आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम अभी भी है किसी चीज में नहीं आता समझ में तो पूछो, खुलकर पूछो, कोई दूसरे से कुछ नहीं करेगा, आपको पूछना है बस। तो जो बच्चे हम चार क्वेश्चन करेंगे और चार क्वेश्चन आपको है, हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं देखते कौन बच्चा कर लेता है। जैसे कि मैं पहला लिखूं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं शाम को पढ़ता हूँ, तो इससे क्या होगा भाई, किसी को आता है मैं शाम को पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये अफर अच्छा अफर्मेटिव नेगेटिव सभी को समझ में आता है, अफर्मेटिव क्या होता है नेगेटिव क्या होता है, ये अफर्मेटिव का रूल है, ये अफर्मेटिव का रूल है और ये है जो नेगेटिव का रूल है। और ये जो है इंट्रोगेटिव का है और ये क्या है इंट्रोगेटिव का है। तो देखो ये सब क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव हमारा सेंटेंस है कि मैं शाम को पढ़ता हूँ, उसमें कहीं नहीं आता, कहीं नहीं नहीं लगा है, तो क्या करेंगे हम इसमें सबसे पहले कैसे सब्जेक्ट क्या ऐसे है आई मतलब मैं के साथ क्या लगाएंगे, फिर इसमें मेन बार इसमें वर्ब कैसे पहचान में जिसके लास्ट में आता है ना, इसे पढ़ना खेलना कूदना सोना जागना ये सब क्या माने होते हैं वर्ब मेन वर्ब होते हैं, तो मेन वर्ब होते हैं तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, क्या था रीड्स In the evening, in the evening, बताओ इतनी चीज समझ आई सभी को, सबको समझ आई थी। एक क्वेश्चन हम लोग इसी को लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के तौर पे,
देखो मैं शाम को नहीं पढ़ता हूँ, मैं शाम को नहीं पढ़ता हूँ। बच्चे सब कहाँ गए? मैं शाम को नहीं पढ़ता हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे तो देखना। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या आई, आई के साथ क्या लगाएंगे? डू हमेशा जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही होता है, और जो डज है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या होता है, लगता है। तो आई, आई के साथ क्या आ जाएगा फिर हमारा, क्योंकि आई को हम प्लूरल काउंट करते हैं तो डू हो जाएगा। इसके बाद क्या है, आई डू नॉट, नॉट हो गया। इसके बाद रीड, आई डू नॉट रीड इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। सारे बच्चे कहाँ चले गए? और सारे बच्चे कहाँ चले गए? क्या बफरिंग हो रही थी? क्या बफरिंग हो रही थी? बफरिंग हो रही थी। चलो फिर से आ जाओ। चलो फिर से आ जाओ। बफरिंग हो रही थी तो इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। फिर से आ जाओ बच्चे। अगर बच्चे सब सही हो गया तो रिप्लाई करो यस सर सब सही हो गया। बफरिंग हो रही थी, प्लीज रिप्लाई मी, प्लीज रिप्लाई मी। सबके सब गायब हो गए। चलो सब ठीक आ रहा है। और सारे बच्चे कहाँ हैं भाई? सब लोग आओ। चलो तो देखो इसको एक बार समझे बच्चे सब लोग। अगर आ गए तो I do not read in the evening। हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद डू किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, इसके बाद डज किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले I, I हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल साथ क्या आएगा डू, इसके बाद तुरंत क्या है नॉट, इसके बाद रीड इन द इवनिंग। ये तीनों क्या है, तीनों फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसी को ऐसे लिखूं, मैं थर्ड की बात करूं, क्या मैं शाम को पढ़ता हूं, क्या मैं
शाम को पढ़ता हूँ। तो देखो इसमें क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको सप्लाई करते हैं, ये वाला हम सप्लाई करते हैं। तो डू या डज, इसका सब्जेक्ट, इसका नॉट, वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव हो गया हमारा। सब कुछ सब लोग आ गए, बच्चे तीन ही बच्चे हैं और सारे बच्चे कहाँ हैं, सब लोग आ जाओ। तो अगर जो अभी तक मैंने जिसको बोर्ड पर लिखा है, अगर किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज भेजो, बताओ बच्चे की नहीं समझ आया, इसके बाद हमारे उसको फिर से समझा देंगे, ठीक है, करंट मिलेज नहीं करेंगे बच्चे। अगर इसको क्या क्या मैं शाम को पढ़ता हूँ तो क्या के साथ क्या स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या के साथ क्या लगाएंगे आप, क्या या डू या डज से लग, डू या डज यूज करेंगे, डू या डज किसके, कौन डिसाइड करता है हमारा सब्जेक्ट, हमेशा जब भी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो कौन डिसाइड करता है हमारा सब्जेक्ट, डिसाइड करता है सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें मैं है, मैं क्या होता है, आई, आई को प्लूरल में काउंट करते हैं, प्लूरल काउंट करते हैं इसके साथ क्या लगेगा हमारा, डू आई read in the evening, do I read in the evening, देखो क्या हुआ, सबसे पहले do या does plus subject plus not plus verb of first form plus object plus question mark, तो do I read in the evening, देखो तीनों क्या हुआ, हमने सबसे पहले do या does लगाया इसमें subject, इसमें अगर negative रहेगा question में तो negative लगाएंगे, नहीं तो फिर नहीं लगाएंगे, read in the evening, ये तीनों फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे, इसी वे में कर सकते हैं। अगर बच्चे इतना तक समझ आया तो एक और लिखते हैं क्वेश्चन, हम ऊपर से मैनेज करते हैं, अगर कुछ बच्चे लिखे तो लिख ले, सबको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ आया तो बोलो बच्चे हम उसको फिर से समझाएंगे, जितने बोर्ड पे लिखा था अभी बफरिंग होने लगी थी, रिएक्ट इशू आ गया था, तो प्लीज करके सब लोग रिप्लाई करो कि हां सर समझ आ गया, अगर नहीं आ रहा है तो फिर पूछो कि हाँ सेक्शन हमको इसको बताइए। देखो एक पैसा कह लेता हूँ, मैं शाम को क्यों नहीं पढ़ता हूँ, अगर कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है तो देखो इंटरोगेटिव वर्ड्स के बीच में आ रहा है क्यों, इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या आ रहा है इसमें, बीच में आ रहा है, जब इंटरोगेटिव अगर बीच में आता है वर्ड्स को सुन के सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स किस लिए बनाते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड्स सब लोग जानते हो बच्चे ना, इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हेन, व्हाई एटसेट्रा, क्या दोस्त इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब हमारे क्या होते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। देखो सबसे इसमें क्यों क्यों क्या हमारा इंटरोगेटिव वर्ड्स, सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स किस तरीके बनाए, इंटरोगेटिव वर्ड्स इसमें क्या है, व्हाई, तो यहां पे व्हाई लिख दिया, इसके बाद क्या है, डू या डज, तो डू लगेगा या डज लगेगा, डू या डज कौन डिसाइड करता है, हमारा जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं क्या क्या होता है, आई, आई को प्लूरल काउंट करते हैं, प्लूरल साथ क्या रहेगा, व्हाई डू, इसके बाद आई, इसके बाद क्या होगा, रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है रीड, इसके बाद क्या आएगा, Why do I read in the evening? In the evening. और लास्ट में क्या जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, विजिबल नहीं आ रहा, विजिबल सब तो सब दिख रहा है सब सही सही, सिर्फ वॉइस की प्रॉब्लम आ रहेगी, अभी वो अभी कॉलर माइक नहीं है अपने लोग के पास में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, बट कुछ समय बाद अगर जैसे ही सब कुछ हटता है तो सब लेने के बाद सब क्लियर आने लगेगी, वॉइस एकदम क्लियर आएगी, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़े, चाहे किसी को इसमें पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चे, आगे चले, और कभी भी एग्जाम में कभी भी ऐसा करने ही स्टार्ट होता है कि कभी कोई बात करते क्या से स्टार्ट होता है, कभी भी महसूस तो क्यों से नहीं स्टार्ट कर सकते, क्यों से कभी नहीं स्टार्ट होता है, जब भी हमारा स्टार्ट होता है सेंटेंस तरह से कैसे स्टार्ट होता है, या कैसे से इसको नहीं स्टार्ट कर सकते, ऐसे कैसे मैं शाम को नहीं पढ़ता ये शाम को पढ़ता, तो ये सब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या से स्टार्ट होगा, अगर स्टार्ट नहीं होगा, कोई बच्चा किया था कि क्यों, जैसे कि क्यों कैसे सब स्टार्ट कर रहे थे बच्चे तो वहां पर प्रॉब्लम हो गई थी, वहां ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जब क्या से स्टार्ट हो तो क्या से स्टार्ट होगा और किसी से नहीं स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है, चलो सानिया को डाउट नहीं है, और बच्चे किसी को डाउट है, चार बच्चे देख रहे हैं बाकी सब कहाँ है भाई, सब लोगों ने वादा किया था, सब लोगों ने बोला था कि हाँ सर हम लाइव क्लास आएंगे, बाकी सब बच्चे कहाँ है,
जब ऐसे करोगे बच्चे तो फिर कैसे हम पढ़ाएंगे, तब तो फिर संडे का फालतू चला जाएगा। हम किसके लिए पढ़ा रहे, तुम्हें लोग के लिए पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे आओ, सब लोग आओ, पढ़ने की कोशिश करो सब लोग। अगर तुमको डाउट है तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलो यहाँ तक सबको समझ आ गया है, किसी को डाउट नहीं, हम आगे से रेस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी में डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे, रेस करते हैं हम। एक बार बोलो सब रेस करें, चलो तुम लोग का रिप्लाई मैं ले लिया हूँ, पता चल जाएगा। रेस करते बच्चे, फटाफट रिप्लाई किया करो, रेस कर दे। प्लीज रिप्लाई, चलो रेस कर दे। इसके बाद हम चलिए देखते हैं कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सीन्स या फॉर। सीन्स का कब यूज करते हैं, फॉर का कब यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। देखो सर लास्ट लिखते हैं, सर एक बार आप समझा दीजिए, कहां तक को समझ नहीं आया करण, बोलो करण बताओ, लिख कर भेजो क्या तुम्हें समझ नहीं आया, हेल्प यू नहीं समझ आया। जब रिलेस करते तो बच्चे तुम रिप्लाई करते हो कि हाँ सर रिलेस कर, अभी फिर से दोबारा समझा दीजिए। चलो कोई बात नहीं, अगर डाउट आएगा तो उनसे डीबीटी भी पूछ लेना। अब आगे चलते हैं, बहुत सारे बच्चे तो सिंस या फिर फॉर में पहला परफेक्ट लिख देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, बाकी हमको तो नहीं लगता कि सारे बच्चों को किसी भी किसी और टेंस में परफेक्ट, क्या किसी को प्रॉब्लम होती है क्या इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस परफेक्ट टेंस में या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अगर प्रॉब्लम होती है तो बोलो, उसको भी बताएं। बाकी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इसका मैं रूल बन लिखती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है इसका, सब्जेक्ट के बाद यहाँ एक लिखते हैं, सब्जेक्ट होता है, इसके बाद हैज होता है, इसके बाद हैड, इसके बाद बीन होता है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस, या फिर क्या होता है फॉर, प्लस हमारे पास क्या होता है टाइम। कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे, तो आगे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आती है कि सिंस किसके साथ यूज करते हैं और फॉर किसके साथ यूज करते हैं। तो सिंस का यूज उसी टाइम होता है जैसे डेफिनेट टाइम के लिए, इंडेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं। जो सिंस का हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, इंडेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, इंडेफिनेट टाइम के लिए क्या करते हैं हम यूज करते हैं। और जो फॉर होता है उस क्या टाइम के लिए होता है, डेफिनेट टाइम के लिए। अब इसको तुम लोग अच्छे से समझो, जब भी हम सेंस यूज करते हैं और डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, फॉर यूज करते हैं तो डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, इन दोनों के इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, जिसका टाइम कोई जो है फिक्स ना रहे। इंडेफिनिट का फिक्स मतलब समझो अनिश्चित, जिसका टाइम जो है कोई फिक्स ना रहे कि इसी टाइम पे हो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में बोलूँ सुबह से, जैसे तुम लोग सुबह से पढ़ रहे हो, सुबह से पढ़ रहे हो, क्या कोई टाइम फिक्स है, नहीं फिक्स है। अगर हम पढ़े 10 बजे से तुम पढ़ रहे हो, 10 बजे से तुम पढ़ा, 10 बजे से कब तक तुम पढ़ोगे, क्या कोई टाइम फिक्स है, नहीं फिक्स है। तो उसके साथ हमेशा क्या करेंगे, सिंस यूज करेंगे। अगर मैं तुमसे बोल लूं कि तुम प्रज्ञापति के स्कूल में 4 सालों से पढ़ रहे हो, 4 साल से पढ़ रहे हो, तो क्या ये फिक्स है कि 4 साल से पढ़ रहे हो, उसके पहले तो कोई फिक्स नहीं है। तो ये सब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं डेफिनेट टाइम क्या इजी वे में यूज कर लेते हैं। चलो सबका पहले इसको समय बच्चा, हम फिर कंटिन्यूअसली पढ़ा देते हैं, हम जो है कंटिन्यूअसली पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। अगर तुम लोग का रिप्लाई थोड़ा थोड़ा लेट आ रहा है ना, पता नहीं कि 10 सेकंड लग जा रहा है तुमको आने में, हम कंटिन्यूअस बताते हैं, पहले इसको समय, बफरिंग हो रही है, पहले इसको समझ लो, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यूअसली बताते हैं। अगर तुम लोग को प्रॉब्लम है तो कंटिन्यूअसली बताते हैं।
पहले से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ लो, कोई नहीं आगे पीछे पढ़ सकते हो। तो इंडेफिनिट टाइम जो होता है, जो कि इंडेफिनिट टाइम किसको बोलते हैं, जिसका टाइम जो है फिक्स ना, इंडेफिनिट अनिश्चित हो, इसका टाइम पे फिक्स ही ना हो। तुमसे बोले कि दोपहर से मैं इस काम को कर रहा हूं, तो क्या सो फिक्स है? नहीं फिक्स है। इस मतलब मुझे शाम से मैं पढ़ता हूं, तो क्या ये फिक्स है? ये भी फिक्स नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम कब तक पढ़, जैसे मैं बोलूं कि शाम से मैं पढ़ रहा हूं, तो शाम से कब तक पढ़ रहे हो, कब तक पढ़ोगे, क्या उसमें कोई फिक्सेशन है? नहीं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? इंडेफिनिट टाइम होते हैं, मतलब अनिश्चित टाइम, निश्चित समय, अनिश्चित समय होता है। और इसकी बात करके निश्चित समय होता है, निश्चित समय तो निश्चित समय होता है, कोई बात नहीं बच्चे, तुम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ो, इसके बाद हम तुरंत बैक जाते हैं, कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे, कोई टेंशन ना लो, मैं कंटिन्यूअस ही बता दूंगा। तो देखिए क्या इंडेफिनिट टाइम सिंसियर फॉर का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम अपने से खुद से रियलाइज करो कि क्या मैं सिंसियर फॉर यूज कर क्या पे करूं। जैसे मैं बोलूं शाम से, तो खुद से सोचो कि शाम से का मतलब टाइम किस में कोई फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वहां पे सिंसियर यूज होगा। अगर मैं बोलूं सुबह से, तो सुबह में क्या हो जाएगा, वहां पे टाइम फिक्स है, सुबह से कितने बजे से कितने घंटों से, क्या कोई फिक्स उसमें नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें आपकी सिंस हो जाएगा। अब आते हैं फॉर पे, तो फॉर का डेफिनेट टाइम निश्चित का मतलब क्या, मैं जैसे बोले 4 घंटे से तुम पढ़ रहे हो, 4 घंटा क्या सुन फिक्स है कि 4 घंटे से ही मैं पढ़ रहा हूं। इसके बाद क्या है कि अगर मैं बात करूं तुमसे कि 4 घंटे से मैं पढ़ रहा हूं, इसमें बोलूं तुमसे कि जैसे यहां से बोलूं 4 आज या फिर 4 डेज, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, इंडेफिनिट टाइम हो जाएंगे, सॉरी डेफिनिट टाइम हो जाएंगे। इसके बाद अगर बोले 3 मंथ, इसके बाद आगे बोले 4 ईयर्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, डेफिनेट टाइम होते हैं, जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं, 4 ईयर्स 4 साल, 3 साल, 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, 4 दिन, 4 घंटे, 2 घंटे, ये सब हमारे क्या होते हैं, डेफिनेट टाइम होते हैं। तो इतनी चीज समझ आई, जिसके साथ हम क्या करते हैं कि डेफिनेट टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, सिंस के साथ क्या, इंडेफिनिट टाइम के साथ क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो बच्चे इतना तक समझ आया, अब आगे हम टेस्ट बताएं, इसको पढ़ाएं, इसके बारे में रूस में एक आध क्वेश्चन एग्जांपल करवाएं, समझ आ गया सभी को? सभी को समझ आया कि सिंस कहां यूज करते हैं, फॉर कहां यूज करते हैं, सभी को समझ आ गया? आगे बढ़े बच्चे, अभी ये पहली क्लास है, जो डाउट क्लास है, तुम लोग लाइव क्लास पहली बार आ रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तुम लोग को भी होगी और शायद मुझे भी कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि तुम लोग का रिप्लाई बहुत कम आ रहा है, रिप्लाई कर रहे हो, तुम लोग लेट कर रहे हो, या वहाँ पे मतलब सर्वर से प्रॉब्लम है, तो लेट आ गया मेरे पास रिप्लाई, लेकिन ये है कि तुम थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट ऐसे आते रहोगे तो प्रैक्टिस इशू हो जाएगी, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए? चलो सभी समझ में आ गया, वैष्णवी समझ में आ गया, गुड बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसके कुछ प्रैक्टिस करके कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो अपने मन से ले लेते हैं क्वेश्चन, उससे क्या लेते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा ही प्रॉब्लम था कि तुम्हें नहीं आ रहा था सिंस एफ और कहाँ पे होता, कुछ बच्चे तो सिंस एफ और जैसे कि थोड़ा तो बच्चा था सिंस एफ और एक साथ दोनों यूज कर रहे थे, बेटा सिंस अलग टाइम पे लगेगा, फॉर अलग टाइम पे लगेगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिंस लगाएंगे उसके साथ साथ क्या लगाएंगे, फॉर भी लगाएंगे, बेटा दोनों रॉन्ग हो जाएगा, जब भी लगेगा तो कोई एक ही लगेगा, जब भी हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे, हम एक ही को यूज करेंगे, या तो सिंस या तो फॉर को यूज करेंगे। चलो अभी तुम लोग कमेंट हमने देखा, अभी हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जिसको इसको समझ में आता जा रहा है बोलता जा रहा है। चलो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपसे, अगर तुम लोग के मन में भी कोई डाउट पूछना है चल पूछो, तो यहां पे जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से, चलो क्या लिखे, रो रही है, चलो रो रही है लिख देते हैं, वह 2 घंटे से रो रही है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वह सुबह से पढ़ रही है, चलो वह सुबह से एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हिंदी पढ़ रही है, वह सुबह से हिंदी पढ़ रही है। चलो आप कैसे करते हैं इसको, जब रूल्स में ना क्या कहता है, अफर्मेटिव का है,
बट तुम लोग को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग को प्रॉब्लम है कि हमको इंटरगेटिव सबसे बिल्कुल नहीं समझ आता इसका, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस तो भी मैं बता दूंगा, अगर नेगेटिव है तो भी मैं बता दूंगा, बट मैंने एक सिंपल तुमको रिवाइज कराने का काम किया है, इसमें क्या सेटिंग पर यूज होते हैं या इसको कैसे करते हैं, बस वही काम है। अगर तुम लोग को प्रॉब्लम, तुम लोग तुरंत मैसेज करो कि हाँ सर हमको प्रॉब्लम, फिर से उसको बता दूंगा, नेगेटिव इंटरगेटिव दोनों बता दूंगा। फिलहाल तुम इसको समझो, ध्यान से समझना सब लोग, सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें क्या है, वर्ब के लिए क्या आएगा यहाँ पे, ही यहाँ तक सभी समझ आया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हैज या है तो मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, वैसे आप लोग को पता भी होगा कि हैज किसके साथ लगता है, सिमिलर सिमिलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, इसका है किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगता है। और ये चीज तुम लोग हमेशा नोट डाउन करो, एक चीज तुम लोग को हमेशा देखोगे, जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, जब भी हमारी क्या है कोई सा जगह हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक बार समझ लो तुम लोग इसको, हेल्पिंग वर्ब को क्या हम यूज करते हैं, तो अगर हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें जितने भी हेल्पिंग वर्ब आएंगे सब उसमें एस लगे रहेंगे। जैसे देखना, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट था, अगर ब्रेक डेफिनेट की बात करें आप लोग को डज लगेगा, देखो इसमें क्या दिया जा रहा है। इसके बाद अगर पार्ट में जाए तो हाँ देखो वॉज लगेगा, इसमें भी देखो यस आ रहा है। इसके बाद अगर कंटिन्यूअस में जाए तो देखो इसमें भी ईज आ रहा है। सबके लास्ट में जितने भी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पे देखो लास्ट में जितने हेल्पिंग वर्ब यूज, तो यहां पर एस आना ही आना है, देख लेना हमेशा एस आएगा सुनने से। यहां पे देखो, इसके बाद देखो यहां पे अगर परफेक्ट में यूज करते हैं तो परफेक्ट में देखो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट का हमेशा है जाएगा, नहीं लास्ट में देखो एस आ रहा है। इसके बाद क्या है कि अगर इसमें भी देखते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो इसमें भी एस आ रहा है। जितने तुम देखोगे अपना जितने सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमेशा जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसमें हमेशा एस आता ही जाता है मैक्सिमम टाइम पे। टीचर थोड़ा सा अपने से भी क्लियर कर लेना ध्यान करना, ठीक है। अब हम इसे क्या करके यूज करते हैं, तो तुम लोग समझ गए कि सिंगुलर किसके साथ हैज किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर साथ यूज होगा, हैड किसके साथ यूज होगा, प्लूरल के साथ यूज होगा। आप आगे चलते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट फिर हैज आएगा या हैव आएगा, वर्ब क्या होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगाएंगे हम हैज, ही है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है बीन, तो बीन यूज कर लेंगे हम। इसके बाद क्या है बहुत था फर्स्ट वर्ब, रोना क्या होता है वी क्राई करते हैं ना बच्चे, बहुत लोग क्राई क्राई से चिल्लाना, बीन में सता रोना, और चिल्लाने और रोने में तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा जब घर में डांट करते हो डांट खाते हो तो देखो ही हैज बीन, या हमसे भी डांट खाते हो तो वी। इसके बाद क्या है इसमें आई जी ऐड करेंगे, देखो इसमें क्या है सबसे पहले सब्जेक्ट की स्पेलिंग बना दी, इसके बाद हैज हैड इस पर बी लगे, इस पर क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है वी, विटनेस और रोना होता है, उसमें आई जी ऐड करके वी भी हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है नहीं, देखो ये क्या है हमारा ये सब्जेक्ट है, हम लिख भी दे रहे हैं ये सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है टाइम है, ये टाइम है। इसके बाद ये क्या होता है हमारे मेन वर्ब है, हम भी लिख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे। इसके बाद सिंस या फॉर आएगा, यहाँ पे बच्चे सब लोग बताओ सिंस या फॉर, यहाँ पे देखो दो घंटा, दो घंटे तो फिक्स है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से बात क्या आएगा फॉर टू, इसको माइनस कर देना से टू आवर्स फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें क्या है फॉर, फॉर क्या लगाएंगे ही। इसके बाद क्या आएगा हैज या हैव, हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट करते हैं यहाँ पे हैज। इसके बाद क्या आएगा पेन, इसके बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है मेन वर्ब, वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज की, इस पर देखना इसमें क्या है मेन वर्ब वो होती है जिसके साथ पढ़ना खाना सोना लास्ट में ना आता ही है जागना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे चलो तुम लोग अच्छे तरीके से समझाते हैं, अगर इसमें लगा के सुबह ना क्या कोई वर्ड बन रहा है, सुबह ना बन रहा है नहीं बन रहा है ना, अगर हम यहाँ पर तो वो ना कभी बनना कोई वर्ड नहीं बन रहा है, अगर हिंदी से बोलते हिंदी ना कोई बन रहा वर्ड नहीं बन रहा है, लेकिन अगर तो जैसे बोलेंगे पढ़ ना तो पढ़ना देखो वर्ड होता है तुमको भी पता है, पढ़ना सोना जागना खेलना ऐसे हमारे क्या होते हैं मेन वर्ड होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ लो बच्चे, ठीक है। तो ही हैज बीन रीडिंग, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, क्यों जोड़ेंगे क्योंकि वर्ब का फर्स्ट वर्ड बाद आईएनजी है, रीडिंग कैश का ऑब्जेक्ट है, देखो इसमें क्या है ये सब्जेक्ट है, सिंपल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ये हमारा क्या है ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है मेन वर्ब है, तो देखो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे है ही हैज बीन रीडिंग हिंदी,
हिंदी का एच कैपिटल लगा है, तो ध्यान रखना जब भी किसी चीज का सब्जेक्ट का नाम लिखते हो तो हमेशा कैपिटल लगा। ही हैज बीन ही हैज बीन रीडिंग हिंदी। अब देखो यहां पे सुबह से है, टाइम इसमें क्या है, डेफिनेट है या इंडेफिनेट है? टाइम जो है डेफिनेट है या फिर इंडेफिनेट है? देखो सुबह से इसमें कोई फिक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंडेफिनेट टाइम हमारा। तो इंडेफिनेट टाइम के साथ क्या लगाते हैं, सिंस, सिंस मॉर्निंग। बताओ ये चीज सभी को समझ आ गया? अगर ये चीज सभी को समझ आ गया तो यस करके लिखो सब लोग फटाफट, जल्दी करो। हाँ अच्छा सानिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, सॉरी बहुत दो घंटे से एमएससी होगा, सॉरी 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 फॉर मिस्टेक, सॉरी फॉर सी। और यहाँ पे बहुत सुबह से हिंदी पढ़ रही है, यहाँ पे किसी होगा, चलो कोई बात नहीं, जेंडर तुम लोग समझते हो है ना, सी होगा। और सभी समझ आया यहाँ तक, कोई डाउट है? देखो ऐसे तुम लोग लाइव आओगे तो हमको बताओगे कि सर यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो हम भी कर लेंगे सही, है ना, तो लाइव आने से फायदे होते हैं। चलो सी होगा, ठीक है, वाह मैंने लिखा भी था, इस समय मेरे ध्यान में था कि हाँ वहाँ पे सी लगाना है, थोड़ा सा फिर मिस्टेक होना चाहिए, लग गया, कोई बात नहीं। बाकी सब समझ में आया, रूल समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो लिखो, नहीं प्रॉब्लम तो यस करो, हाँ सर समझ आ गया, इसके बाद हम कंटिन्यूस पे चलते हैं। अगर इसके इंट्रोगेटिव और निगेटिव में प्रॉब्लम आती है तो भी बताओ, उसको बताएं। चलो सानिया का नो डाउट, और किसी का फटाफट लिखो बच्चे। सादिया नहीं आई है क्या क्लास में? सादिया का कोई मैसेज नहीं आया अब तक, चलो और किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो ये जोया लग रही है, यस सर ठीक है, जोया का सब सही है। और किसी को, और किसी को प्रॉब्लम? तो फिर अब चले कंटिन्यूस पे, नो प्रॉब्लम, वैष्णवी का नो प्रॉब्लम, अच्छा नासिन बानो ये सानिया है, चलो हम सोचे सानिया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो आगे पढ़ें, कंटिन्यूस बता दें, चलो कंटिन्यूस बता दें, सबको किसी प्रॉब्लम नहीं है, इरेस्ट करते हैं इसको, इस बार कंटिन्यूस पे चलते हैं। इसके बाद जो है तुम लोग का मैथ स्टार्ट करेंगे, मैथ तुम लोग को, अब तुम लोग खुद बोलोगे सर इस एक्सरसाइज को समझ गया तो फिर बताएंगे, लेकिन लास्ट तक बने रहना, जाना मत छोड़ कर, जाओ ना तो फिर कल से रूल से बाहर ही हो जाओगे। चलो तो देखते हैं, अब कंटिन्यूस पर चलते हैं, तो यहाँ से पापर कटा देते हैं, बाकी सब कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो जेड कंटिन्यूस टेंस, चलो ठीक से लिख देते हैं, तो जेड कंटिन्यूस प्रेजेंट करने से बहुत सिंपल है बच्चे, आप लोग को पता भी है, चलो मैं आपको तीनों रूल लिख रहा हूं, पहचान तुम लोग को पता है, रहा है रही है रहे आता है लास्ट में, तो मैं तीनों रूल लिख रहा हूं, सब्जेक्ट होता है इसके बाद एज एम आर, देखो यहां पे चलो साइड कर देते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या है, अगर नेगेटिव रूल लिखे तो सब्जेक्ट होता है एज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या है एज एम आर, जब क्या से स्टार्ट होता है, जब क्या से स्टार्ट हो, बाकी तुम लोग को लिखाया गया है बस आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है, इज ए वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आता है हमारा फुल स्टॉप होता है, सॉरी क्वेश्चन मार्क होता है। इसके बाद जब इंटरोगेटिव वर्ड्स बीच में आए तो इंटरोगेटिव वर्ड्स के लिए लगा रहा है, इसके बाद क्या है इज एम आर प्लस क्या होता है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव वर्ड की सबसे पहले इसको लिखना है कि इज ए वर्ब कोई सा यूज करेंगे, अब वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट होता है प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम तीनों में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं, अगर तुम लोग का कमेंट नहीं दिख रहे ठीक है, चलो अच्छा देख लेते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो सबको सब सर हम सारे ठीक है सबको समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। देखो दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं पहला एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, वह अपना काम
वह अपना काम कर रहा है। वह अपना काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे सर? ये हमारा अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव का रूल है, ये नेगेटिव का रूल है, ये इंटरोगेटिव का, ये भी क्या है इंटरोगेटिव का रूल है। ये इंटरोगेटिव है जब क्या से स्टार्ट होता है, तब ये जो इंटरोगेटिव है बीच में है कोई तब। तो आगे चलते हैं देखो, तो अपना काम कर रहा है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले लूज के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले इसमें क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, वा के साथ क्या लगाएंगे? इसके बाद एस एम आर। जैसा कि देखो मैं तुमको बता रहा हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हमेशा सिंगुलर ही, मतलब इसके लास्ट तक एस लगा। अब बताओ जरा इसमें कि एज एम आर में से किसमें एस लास्ट में लगा है? तो एज में लगा है, तो एज। चलो मैं आपको लिख दे रहा हूं, एज जो है सिंगुलर के साथ, आर जो है प्लूरल के साथ, और एम जो है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। आई जो है सब्जेक्ट उसके साथ आई लगा है, ही इज। फिर इसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट है, वर्ब इसमें क्या है कर्म ना, कर्म के साथ क्या है, कर्म क्या होता है डू, इसमें क्या करेंगे फिर आई जी एक्ट करेंगे डूइंग अपना काम। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अपना काम है, अपना काम क्या है, ही का अपना क्या होता है हिज, ही का अपना होता है हिज वर्ब, फुल स्टॉप, पीछे हो गया। अगर इसी को हम लिखते हैं कि वह अपना काम कर रहा है, इसी को हम ऐसा लिखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या, चलो वह अपना काम, वह अपना काम नहीं कर रहा है। तो देखो इसमें भी क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या है उसे पढ़ने चलो, सबसे पहले सब्जेक्ट चैप्टर, इसमें क्या है वह क्या आता है ही, इसके बाद क्या हो जाएगा ई से बाहर सब्जेक्ट सिंगुलर है ई जाएगा, इसके बाद तुरंत नॉट आएगा, बस यही तो चेंजेस है, यहाँ पे नॉट आएगा। तो वर्ब का फर्स्ट और प्लस आई जी प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब इसमें क्या है करना, करना क्या होता है डू, डूइंग हो गया है डूइंग कंप्लीट। इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है अपना काम, अपना काम क्या हो जाएगा इज वर्ब, कंप्लीट हो गया। अब एक यहाँ पे लिख देते हैं क्या वह अपना काम कर रहा है, देखो ये इंटरगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले जब क्या से स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होने के लिए क्या लगाते हैं, क्या क्या कौन सा रूल अपना, जब क्या से स्टार्ट होता है ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। तो यहां पे जब ये वाला रूल अप्लाई करते हैं सबसे पहले क्या आएगा इज ए मार कौन डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें क्या है और वह क्या होता है सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट साथ क्या लगाएंगे इज लगाएंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा इज। इसके बाद क्या आएगा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें ई हो जाएगा, इसके बाद क्या है नॉट, क्या नेगेटिव सेंटेंसेस है नेगेटिव सेंटेंसेस है तो नॉट नहीं यूज करेंगे ए जी ए। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, डू में क्या आ जाएगा आई एनजी जो है डूइंग, इसके बाद क्या आ जाएगा हिज वर्क, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, हो जाएगा इस तरीके से। और एक लास्ट का देख लेते हैं, तो लास्ट में क्या देख लेते हैं थोड़ा। इसके बाद बच्चे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना आना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं क्वेश्चन अभी तुमको लास्ट में बताऊंगा इसको बता लेंगे, तो मैं बताऊंगा कि इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं बहुत अच्छे से, वो समझना जरूरी है। जब तक वो नहीं समझेगा तब तक उनको एक्टिव पैसे नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, अगर वो तुम्हें करने आ गया तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। देखो इज ही डूइंग दिस, अगर हम एक और फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, वह अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। देखो इसमें क्यों आया इंटरोगेटिव वर्ब बीच में है, बाकी आपको सब कोई तो रूल लिखा गया है, और जो नहीं लिखा पिछली वीडियो में देख कर लिख लेगा। तो देखो वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, तो अपना वो के लिए क्या लगा है यहाँ पे ही, सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ब इसमें इंटरोगेटिव वर्ब क्या है क्यों, क्यों का क्या होता है व्हाई। इसके बाद क्या आ जाएगा हैप्पी वर्ब, हैप्पी वर्ब कैसे इज मार सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर सब करेंगे ही, इसके बाद क्या आएगा ही Why is he not a negative? The negative है, चलो not लगा देंगे। इसके बाद doing, is, object class में आएगा is, वो जगह हमारा ये question है। अब बताओ तुम लोग continuous में किसी कोई problem है? Continuous में किसी को कोई problem है? Continuous में किसी को कोई problem है? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अगला कुछ अलग बताएं। अब तुम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सिखाएं, ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है एक टेंस से दूसरे टेंस में,
किसी कोई प्रॉब्लम है चलो मैसेज आ गया दो सर और सभी रिप्लाई करो बच्चे फटाफट ट्रांसफॉर्म करने का रूल होता है जैसा कि तुम लोग बहुत पहले भी जानते होगे ठीक है करण तुम कहां हो बच्चे अभी कह दोगे सर अब फिर से समझा दीजिए चलो एक बार फिर समझा लेते हैं देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है ये तीन हमारे रूल्स होते हैं जैसा कि आपको रूल्स पता होगा तो लिखा भी होगा आपने देख लिखे भी होंगे इसमें क्या होता है कि आप इसमें दो तीन टाइप के जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं या फिर टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव इसमें क्या है इसमें किस लगाते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलोगे तो सब समझ में आ जाएगा अच्छा ठीक है सभी को सब समझ में आ गया चलो हम आगे बढ़ते हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं करण बेटा मैथ बताएंगे टेंशन ना लो बट अभी थोड़ा इसको भी क्लियर करो ये भी जरूरी है और मैथ तुम्हें ही करना था सभी को बताएंगे बेटा जिसका इसका मैथ प्रॉब्लम वो अपना अपना नोट करके रखिए जब मैं बोलूंगा तो अपना मैथ की प्रॉब्लम बताना सर बिल्कुल भी नहीं आता वो भी बताया कि हाँ सर हमको और कोई किसी पर हंसेगा नहीं अपना करो ठीक है ऐसा नहीं तुमको जो आता है उसको भी नहीं आता जो उसको आता तुमको भी नहीं आता है ठीक है सब लोग खुलकर बोलेंगे और पेन पर भी कोई एक दूसरे से कुछ नहीं करेगा चलो अब जैसे कि देखो ट्रांसफॉर्मेशन शायद तुम लोग को हम एक बार बताए थे आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि तुम लोग शायद एक बार बताए थे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि पहला पेज लिख यहाँ पे वो हिंदी पढ़ता है मैंने ऐसा कुछ क्या लिखा सेंटेंस लिख दिया अब इसके बाद क्या मैं बोली इसको ट्रांसलेट करते हुए तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है क्योंकि लास्ट में ताकि तैयार है तो अभी मैंने उसका कुछ रूल्स बताया था देखो सबसे पहले ही हो जाएगा इसके बाद क्या होगा रीड्स ही रीड्स यस या यस ऐड करेंगे कि सिंगल सब्जेक्ट है तो ही रीड्स हिंदी अब ये क्या हो गया हमारा ट्रांसलेट हमने कर लिया अगर मैं तुम लोग से ये बोलूं या आप लोग से बोलूं कि इसमें अगर आपको चेंज करने के लिए मैं बोल दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट में इसको आप चेंज कीजिए या मैं चलो अभी कंटिन्यूस बता दूं कंटिन्यूस में चेंज कीजिए तो आप क्या करोगे कि इसमें क्या क्या चीजें चेंज होने लायक है जब भी हम ऐसा बोलते हैं इस टेंस को आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो इसमें क्या क्या चेंज होगा सब्जेक्ट तो चेंज होगा नहीं सब्जेक्ट तो जेब का तेल रहेगा इसमें जो है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे समझना बच्चे सबको समझ में आएगा अगर अच्छे समझोगे तो यहाँ पे नो चेंज होगा सब्जेक्ट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम बदल नहीं सकते नो चेंज ये कॉन्स्टेंट रहेगा इसके बाद क्या है हम सिर्फ चेंज करेंगे मेन वर्ब को भी नहीं चेंज करेंगे मेन जो हमारा वर्ब होता है अगर हम बोले यहाँ पे रीड लिखे हैं तो इसको भी क्या करेंगे हमें भी हमारा क्या होता है नो चेंज होता है नो चेंज क्या हम अच्छा चलो एक बार ऐसे तुम लोग सुनते हैं वो आपको अब तुम बोल सकते हैं किसी भी सेंटेंस अगर बोला तो आपको तुम बोल सकते हैं नहीं बोल सकते फिर भी नो चेंज होगा हिंदी को क्या इंग्लिश बना देंगे हम किसी सेंटेंस में जबरदस्ती तो ऐसा नहीं हो पाएगा तो भी नो चेंज देगा पढ़ने को क्या लिखना बना देंगे ये भी नहीं तो चेंज होगा इसमें चेंज क्या होता है अगर ये सब चेंज नहीं होते हैं तो चेंज क्या होगा तो चेंज हमेशा क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारा चेंज होता है और इसके साथ साथ जैसे कंटीन्यूअस की बात करें तो कंटीन्यूअस में क्या होता है जैसे रीड में आईजी ऐड कर दिया तो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रीड तो रीड ही है ना हेल्पिंग वर्ब हमारा चेंज होता है अब इस पे मैं बात करूं किसको तुम्हें किसमें चेंज करना है अगर चेंज करने की बात करो जैसे प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है बताओ इतनी चीज समझ आए कि नहीं आए फिर से मैं बताऊं किसी बच्चे को पहले मैं रिप्लाई कर लूंगा किसी को समझ नहीं आया तो बताओ और सारे बच्चे कहां गए भाई इतने
इतनी चीज समझ आई कि नहीं? देखो अब मेन चीज मुझे पढ़ना हुआ तो सौभाग्य है, जब मेन चीज पढ़ना हुआ तो सौभाग्य है। बताओ ऐसा होगा? ऐसा होगा तो फिर कैसे समझोगे? इतने ऐसा जो बच्चे हैं उसके बताओ तुम लोग कोई प्रॉब्लम है इसका? इतना चीज समझ आया कि नहीं है जो हमने अभी बताया? प्लीज रिप्लाई, ये चीज समझ आया कि नहीं है? रिप्लाई करो बेटा, फिर से समझाएं, क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है। किसको नहीं जानता? तुम्हें एक्टिव पैसिव कुछ नहीं आएगा, डायरेक्शन भी नहीं आएगा। अभी आगे का जो पार्ट बहुत सारे जगह तुम्हें प्रॉब्लम होगी, फिर ट्रांसलेट भी कर ले तुम्हें दिक्कतें आएंगी। इतने चीज समझ आया कि नहीं आया बताओ? चलो वैष्णवी को एक बार बताना है फिर से, और सब रिप्लाई करो। चलो शादी आप समझ आया? और किसी को? तीन ही बच्चे देख रहे हैं, बाकी सब देखो। जब पढ़ना मेन चीज में बताने लगा था सब है। चलो जो जाएगा अपना जाएगा, लेकर के मेरा क्या जाएगा? चलो फिर से बताते हैं, वैष्णवी समझ में आया? फिर से बताते हैं, देखो क्या है। वह हिंदी पढ़ता है, मैंने इसको ऐसा जिस ट्रांसलेट किया या फिर लिखा कि आपको एक नया टेंस दे दिया हिंदी में और आपने इसको ट्रांसलेट किया, तो आपने बोला ही रीड्स हिंदी। आपने ट्रांसलेट कर दिया, बहुत इजी ट्रांसलेट करके सबको पता है कौन सा टेंस है और इसमें कैसे इसको ट्रांसलेट करें, कितना बार तक सभी को आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी टेंस को बोलूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, अब ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तुमको चेंज करना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसमें जो हम क्या क्या चीजें को चेंज करेंगे, मतलब अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाना हो तो इसमें क्या चेंज होता है? सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट कभी चेंज होगा तो सब्जेक्ट। अभी चलो अच्छा मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं, अगर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज कर क्या करेंगे ही? इसके बाद क्या है? रीड्स। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा मूल्य होता है सब्जेक्ट इज ए मार्क प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो हम क्या करेंगे? देखो नीचे ही के साथ क्या लगाएंगे? ईज। इसके बाद क्या है? रीड। हमारी वर्ब तो वही रहेगी ना, वर्ब कहां चेंज? रीड में आईजी ऐड कर देंगे, रीडिंग हिंदी, रीडिंग हिंदी। He is reading Hindi. हमने इसको क्या किया था? हमारा पहले था present indefinite में, अब change कहाँ हो गया? Present continuous में change हुआ। इसमें change क्या-क्या होगा? हमको किसको change करना होता है? अगर किसी भी tense को किसी दूसरे tense में change करने के लिए, मतलब जब भी हम transform करते हैं या बदलते हैं, तो बदलने के लिए हम क्या-क्या हमारे उसमें change होता है? Same उसमें जो helping verb change हुई इसमें, क्या हमारा change हुआ है? Helping verb। क्या हिंदी change हो गया? हिंदी से इंग्लिश हमने बना दिया। अगर हिंदी से इंग्लिश बना देंगे तो बेटा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी देखो नो चेंज हुआ। अगर हम बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमने ही से सी कर दिया, ऐसा तो नहीं किया ना, तो क्या क्या हमने यहाँ पे, ये भी देखो नो चेंज हुआ, नो चेंज। इसके बाद क्या? रीड। जो हमारा रीड था पढ़ने के हमने लिखना बना दिया, ये भी नहीं हुआ, तो नो चेंज हो गया। देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपके, तो चेंज क्या हुआ? बस यही हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी टेंस को मैंने बोल दिया कि आपको जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर, जो अभी मैंने बताया था। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट की स्पेलिंग बनाते हैं, तो सब्जेक्ट हम लिखे हैं यहां पे। इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट जो करते हो जाएगा, सब्जेक्ट को नहीं चेंज कर सकते। इसके बाद क्या है हमारा? हैज आएगा, इसके बाद बीन आएगा, हैज बीन आ जाएगा। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है? रीड, रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि आईजी हम ऐड करते हैं। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी। हमने इसको क्या किया? चेंज किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो देखो ही हैज बीन रीडिंग हिंदी। अब हमारे पास देखो टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं, तो टाइम नहीं यूज करेंगे। ये ऐसा नहीं कि हम इसमें से इसको चेंज कर रहे हैं, ये रूल्स के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, इसमें टाइम भी आना चाहिए। बट हम क्या कर रहे हैं कि हमको इसको चेंज करने का तरीका हमें पता चल रहा है, तरीका हमें ढूंढना है। अगर जब तक यही ढूंढ पाएंगे, जब तक इसको नहीं कर पाएंगे, तब हमें एक्टिव पैसिव बिल्कुल भी समझ में आएगा नहीं, ऐसे तरीके के हमें उसमें चेंज ही करना पड़ता है। तो देखो ही हैज बीन रीडिंग हिंदी, अब यहां तक हमने क्या कर लिया? फुल स्टॉप हो गया। तो देखो इसमें चेंज क्या क्या होगा? हमारी यही हेल्पिंग वर्ब तो चेंज हुई है, यहाँ था रीड्स, यहाँ तो हो गया ईज, यहाँ तो क्या हो गया? हैज बीन। और देखो रीड क्या चेंज हो गया? रीड ने चेंज हुआ। हिंदी का ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट भी चेंज हुआ, सब्जेक्ट क्या हमारा ये भी चेंज नहीं हुआ। तो समझ गए इतनी चीज, इतनी उससे बातों को बताओ अब तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बच्चे वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो। अगर तुम्हें बाद पहले तुम पढ़ लो, इसके बाद जब लिखना होगा तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना। लेकिन अगर तुम्हें साथ साथ लिखते जा रहे हो तो लिखा करो, अब तुम्हें एक दो मिनट का टाइम दे दिया करेंगे कि बच्चे आप लिख लो। और बताओ समझ आया कि नहीं आया? चलो दो बच्चों को समझ में आ गया, और
अगर इसमें कोई डाउट है आगे उनको चेंज करवाएंगे तो फिर मेन चीज तुम्हारा है। टेंस तो बहुत पढ़े हो, टेंस तो को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं एक दो बार, रिपीट करके जा तक की लास्ट तक हो। इसके बाद क्या है, ये चीज ट्रांसफॉर्म करना तुम लोग अभी नहीं सीख रहे, तो इसको तुम्हें सीखना है। अभी हम लोग परफेक्ट पास्ट कंटीन्यूअस में है, कल हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट टेंस। तो वहां पे क्या करेंगे कि जैसे पूरा टेंस कंप्लीट होता है इसके बाद तुमको चेंज करना सिखाएंगे। अभी तुम इसमें भी सीखो कि प्रेजेंट टेंस में पूरा चेंज करना आ जाता है। इसे चेंज करने से फायदा होता है कि तुम्हें रूल्स पता चल जाएगा, सबका रूल्स याद हो जाएगा। फिर तुम्हें जब एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे, नरेशंस पढ़ाएंगे, है ना, या सम यूजेस पढ़ाएंगे, तो उसमें तुम फटाफट फटाफट चेंज करते जाओगे, फिर तुम्हें लेट भी नहीं लगा और तुम्हें रूल्स तुम्हारी जुबान पर रहते जाएंगे। इसलिए मैं ये करा रहा हूँ, तुम्हें लिखना ये सब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो पांच बच्चे थे पहले, पांच बच्चे फिर आ गए, सब आ जाए क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट तो भी बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा लग रहा है क्लास, तुम लोग देखकर पढ़ो, मुझसे देखकर पढ़ाए तुम लोग करते हैं। आप तुम लोग को मुझे ट्रांसफॉर्म करना सिखाते हैं, तो अब तक तुम्हें क्या पता चला कि जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं किसी टेंस को किसी दूसरे टेंस में, दूसरे पार्ट में, तो उसमें क्या चेंज होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ पहली बार नहीं होती, बाकी और सब क्या रहते हैं हमारे एडिटिव रहते हैं। चलो आप एक क्वेश्चन हम लेते हैं, तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखना तुम कि कैसे है। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एक सीता अपना कपड़ा साफ कर रही है, साफ कर रही है। अब इसको क्या आपको ट्रांसलेट करना है, इसको चेंज किसमें करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज करना है और परफेक्ट में चेंज करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलिए अब चेंज करते हैं। देखो सीता क्या है, सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, रहा है नहीं रहा है, तो रहा नहीं किसमें आता है, कंटिन्यूअस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल्स क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता, सीता हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि ये सीता होगी ना, इसी का नाम है ना, माँ सीता को समझ जाते हो, सीता बहुत लोग नाम भी रखते हैं, तो सीता, सीता के बाद क्या आ जाएगा, इज, इज क्यों आएगा, क्योंकि हमारा ये हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और सिंगल सब्जेक्ट है, देखो यहाँ भी क्या आ रहा है, इज आ रहा है, लास्ट में लग रहा है, सिंगल सब्जेक्ट का हमेशा जितनी साफ करना अलग अलग नहीं है, साफ अलग नहीं करना अलग है, साफ करना एक ही में आता है, साफ करने का वॉश होता है, आप लोग घर में भी वॉशिंग मशीन जानते हो, नाम सुना होगा वॉश, वॉशिंग मशीन के नाम से आप लोग जानते भी होंगे वॉशिंग मशीन क्या करती है, तो सीता इज वॉशिंग। इसके बाद देखो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हो जाएगा कर रही है, साफ कर रही है, यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारी मेन वर्ब साफ करने का, ये क्या हो जाएगा हमारा ही टोटल ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हमारा ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखो हमने क्या है, सबका मतलब सीता हो गया, ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सीता क्या हो जाएगा, हर क्लोथ मतलब अपना कपड़ा, अपने क्या होता है, हर क्लोथ कर लो। इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना, क्या करोगे इसमें आप, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं, सब चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, हमारे हेल्पिंग वर्ब में है, तो इसमें क्या, अच्छा ध्यान सोचो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगाते हैं, हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर साथ हैज बीन लगाएंगे और प्लूरल तो क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। तो देखो क्या लगाएंगे, सीता आज किस तरह दोस्तों को इसमें चेंज करना है, प्रेजेंट, हम शॉर्ट फॉर्म लिखते प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है, पीपीसी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखो सीता, सीता साथ क्या लगाएंगे, हैज, इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, हैज बीन, इसके बाद आज किस लिख देंगे, वॉशिंग हर क्लोथ, टाइम नहीं है तो टाइम भी लगेगा, क्या हो जाएगा यहाँ तक हमारा, तो सीता हैज बीन वॉशिंग हर क्लोथ। इसमें क्या चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ, हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ और बाकी सब कुछ नहीं, मार्जिन। अब इसको बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कैसे चेंज करोगे, चेंज करोगे तो क्या आएगा, सीता, अब यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो अफर्मेटिव होता है उसमें हम कुछ भी नहीं यूज करते हैं, बस मेन वर्ब के साथ क्या यस है, यस ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉश, वॉशेस ऐड करेंगे क्योंकि यस ऐड करेंगे, तो सीता वॉशेस हर क्लोथ। तो कुछ इस टाइप से क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। अगर मैं इसी टेंस को बोलूं तुमको परफेक्ट में चेंज करना, प्रेजेंट
परफेक्ट में, तो पहले परफेक्ट कैसे चेंज करोगे सीता? पहले परफेक्ट में क्या लगता है हमारा? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है जो है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ध्यान देना वर्ब का क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट आता है सीता, सीता सिंगुलर से सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हम, आपने हैज लगाएंगे सीता हैज, इसके बाद क्या आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म,